आज हम लोग संस्कृत के प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज तक हम लोग जो है कि बुक में तो ऐसा लिखा दिखाई देता है कि जैसे ईटागम क्या होता है हम लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समझना होता है हम लोगों को ये समझना होता है कि जब किसी भी प्रत्यय के साथ, प्रत्यय क्योंकि किसी भी शब्द के पीछे लगता है और किसी भी शब्द के पीछे लगकर तो उसके अर्थ में चमत्कार कर देता है, परिवर्तन कर देता है। लेकिन ये परिवर्तन अगर हिंदी का है तो हिंदी में सरल होता है क्योंकि पीछे हम लोग जान जाते हैं कौन सी चीज़ लगी है, कौन सी नहीं, प्रत्यय लगाओ। लेकिन जैसे ही संस्कृत में इसका प्रयोग होता है तो संस्कृत में जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा समझना होता है कि संस्कृत में जो हम लोगों को धातु पढ़ाया जाता है उन धातुओं में कौन सी सेट धातु होती है, कौन सी अनिट धातु होती। अच्छा, कोई अगर सेट धातु होगी मेरी तो सेट धातु होगी, तो जब किसी प्रत्यय के साथ इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो क्या चीज ऐसा हो जाता है कि वहां पर ये सेट धातु के लिए वहां पे कौन सा चीज लगाना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हमारा प्रत्यय होता क्या है। सबसे पहली बात, हर कोई आज तक तो पढ़ते हुए चला आया है कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि प्रत्यय का मतलब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय में भी एक संधि है, प्रत्यय में भी एक संधि है, और वो संधि कौन सी है, यण संधि है, सभी को पता है यण संधि है। और एक चीज ये कि हम लोग अभी तक संस्कृत में यही पढ़ते आए हैं कि प्रत्यय परस्य, और इसमें भी एक संधि काम कर रही है, परहधन च। हम लोग ये नियम भी पढ़ते चले आए कि जब किसी विसर्ग के पहले हो उसके बाद किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, लेकिन शर्त यह है कि उस वर्ग में बोले जाने वाले श को पहले लगा दिया जाता है। जैसे हम लोग एक चीज ये जानते हैं, उच्चारण स्थान में हम लोगों को पता होगा कि एक होता है इचु, यशा नाम तालु। तो एक चीज देखते हैं, इस च वर्ग के साथ कौन सा स बोला जाता है, तालव्य स, बड़ा स। तो यहाँ पर ये जो है कि यहाँ पे है कि विसर्ग को सत्य बनाने का नियम, सत्व है तो विसर्ग को किस स में परिवर्तित कर देंगे, यहाँ पे च है तो यहाँ च वाले वर्ग में कौन सा स बोला जाता है, तो ये बन जाएगा सीधा आपका क्या बन जाएगा, परस्य। अभी प्रत्यय के बारे में नहीं, लेकिन प्रत्यय किन किन चीजों से मिलकर बना है ये हम लोग जान रहे हैं। प्रत्यय परस्य, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है, पहली बात, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। और प्रत्यय तो हम ये जानते हैं, एक चीज और ये जान जाइए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय होता है, आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, कृत प्रत्यय, संस्कृत की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद होता है तद्धित प्रत्यय, और एक और हमको पढ़ना होता है वो होता है हमारा स्त्री प्रत्यय। ये तीन प्रत्यय होते हैं, और इन तीनों प्रत्ययों में सबसे पहली बात जो कृत प्रत्यय होता क्या है, तद्धित प्रत्यय होता क्या है। जब हम इस कृत प्रत्यय के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तुरंत प्रत्यय जानेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जब कृत प्रत्यय का प्रयोग कहीं पे किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कृत प्रत्यय सीधे संस्कृत की जितनी भी धातुएं हैं, संस्कृत में जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं के साथ कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और एक बात, जब कृत प्रत्यय में धातु आ जाते हैं तो जब धातु में हम कृत प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि याद रखिएगा धातु के पीछे कृत प्रत्यय लगता है, पहले कृत प्रत्यय नहीं लगता है। जब किसी धातु में कृत प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो जो इनसे बनने वाला शब्द मुझे मिलेगा वो संज्ञा या विशेषण मिल सकता है। क्या मिल सकता है, संज्ञा या विशेषण। समझ में आया कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब कृत प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करेंगे तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत से प्रत्यय आते हैं, जैसे कत, कतवा, कतवत, ऋच, ऋण, ये सब त्रिच प्रत्यय, कृतिन प्रत्यय, इन सब प्रत्ययों का जब प्रयोग करेंगे तो इन सब प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद इन कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों का हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इनसे जो शब्द मिलेगा वो संज्ञा हो सकता है या विशेषण, और इसी को कहा जाता है कृदंत। इसी को क्या कहेंगे, कृदंत कहते हैं। और ये हम थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग मत होइएगा आप लोग। अगर तद्धित प्रत्यय की बात की जाती है तो पहले से ही ये शब्द होता है संज्ञा या विशेषण, लेकिन कृत प्रत्यय में धातु के साथ जब कृत प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है तो इनसे मिल करके जो शब्द बनता है वो कृदंत तो होता ही है, लेकिन वो संज्ञा या विशेषण होता है। क्यों होता है कि जब इसका कहीं भी वाक्य में प्रयोग या कोई वाक्य बनाया जाता है तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो वो कैसे होगा ये तो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि उसका प्रयोग भी होता है कि जब हम लोग किसी भी वाक्य का परिवर्तन करते हैं, वाच्य परिवर्तन करते हैं, ये बहुत काम करता है उस समय। और जिस समय हम लोग विभक्ति पढ़ते हैं, विभक्ति जब हम लोग पढ़ते हैं कि एक द्वितीय विभक्ति में आता है कर्तुम इप्सित तमम कर्म है, वहाँ पे तम और तमम दो चीज आ जाते हैं, एक तम आता है और एक तमम आता है। तम कहता है कि किसी चीज को कम चाहना हो तब आप मेरा प्रयोग करेंगे। तम प्रत्यय कहता है कि जहां पर कर्ता जो होगा, इप्सित माने चाहना होता है, जब कर्ता किसी चीज को कम चाहेगा तो वहां तम लगता है, लेकिन जब पूर्ण रूप से कर्ता उसको चाहेगा, कर्तुम इप्सित तमम है, तमम लग गया है, तो कर्ता उसको पूर्ण रूप से चाहेगा, तो कर्ता जिसको पूर्ण रूप से चाहता है उसको कर्म हो जाता है। और वहीं एक सूत्र कहता है कि कर्म में द्वितीया विभक्त होती है तो कर्मण द्वितीया का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। ये तो बहरहाल दूसरी बात है। आगे चलते हैं कि इन प्रत्ययों का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, थोड़ा सा समझते हैं। इसमें कुछ नियम है, तो नियम थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये इसका कुछ नियम है और नियम हम लोग जान लेंगे तो तुरंत इस प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। पहली बात तो ये होता है कि इस प्रत्यय को जानने से पहले हमको दो तीन चीज़ों को जानना होगा। एक होती है शिट धातु, दूसरी होती है अनिट धातु, अनिट धातु होती है। एक और जानना होगा इसमें, एक होता है उपधा। इन तीन चीज़ों को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमको प्रत्यय के बारे में कोई चीज़ समझ में आएगी नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि सिट धातु क्या होती है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जैसे पठ धातु मिल गया मुझे, और एक धातु हम ले लेते हैं और गम धातु। अगर हमने आपसे पूछा कि पठ धातु में मूल वर्ण कौन कौन से हैं, पठ धातु में मूल वर्ण कौन कौन से, तो हमको उत्तर मिलेगा प और ठ। अगर हमने पूछा गम धातु में मूल वर्ण कौन कौन से हैं तो हमको उत्तर मिलेगा ग और म। पहली चीज। एक चीज और जानिए, अगर हमने आपसे पूछ लिया कि इस पठ धातु में वर्ग कौन कौन से हैं, पठ में जो मूल वर्ण दिए गए हैं इनके वर्ग कौन कौन से हैं, तो हमको मिलता है कि ये भाई साहब प वर्ग के हैं और ये भाई साहब ट वर्ग के हैं। यही ना होगा, ट होता है। अच्छा, इसका पूछ लेते हैं तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा क और इनका वर्ग हो जाएगा प। तो दो चीज हमने कंफर्म समझ लिया कि पठ धातु के मूल वर्ण कौन कौन से हैं, पठ, गम के गम। और एक चीज जानते हैं कि पठ धातु के वर्ग, तो ये प वर्ग का है और ये ट वर्ग का, ये क वर्ग, ये प वर्ग। ये चीज तो हमको पता हो गई। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि संस्कृत में वर्तमान काल को क्या कहते हैं, लट लकार कहते हैं। और यहाँ पे समझ लीजिए, मैं वही वर्तमान काल का रूप यहाँ भी लिखूंगा। इसका मतलब है कि वर्तमान काल यहाँ पे भी रहेगा। लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गम धातु का जो लट लकार का रूप है। अब देखते हैं कि यहाँ पे होता है कि एक वचन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, दो वचन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बहुवचन होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, उसके बाद होता है मध्यम पुरुष, उसके बाद क्या होता है हमारा उत्तम पुरुष। अब देखते हैं कि हम लोग पठ धातु के वर्तमान काल का रूप कैसे पढ़ते हैं। एक वचन में पठति, पठतः, पठन्ति। अच्छा, हमने ऐसे ही पूछ लिया गम धातु का वर्तमान काल का रूप क्या है, तो आप लोग बताते हैं क्या, गच्छति, गच्छतः, फिर उसके बाद बता देते हैं गच्छन्ति। ये तो हमने बताया था कि पहले प्रथम पुरुष होता है, फिर मध्यम पुरुष होता है, फिर उत्तम पुरुष होता है। तो हमको यहाँ पे जानकारी बस किसकी लेनी है, हमको पठ धातु के वर्तमान काल का रूप और गम धातु के वर्तमान काल का रूप कैसे चलता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, इधर का चलता है पठति, पठतः, पठन्ति। लेकिन अगर हमने ये इसे कह दिया कि पट धातु का लिट लकार में कैसा रूप चलता है, और यहाँ पे हमने यही पूछ लिया कि गम धातु का लिट लकार में रूप क्या चलता है, तो ये एक चीज समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जो हमने ये पूछा था कि पट धातु के मूल वर्ण कौन कौन से, तो आपने बताया था प और ठ। तो एक चीज देखिए, जब हम लट लकार में इस पट धातु के वर्तमान काल में रूप हमने पढ़ा तो हमको प और ठ दोनों वर्ण मिल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि गम है, ये मूल धातु क्या है, गम है, इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं ग और म। तो क्या हमको ग और म यहाँ पे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। पहली चीज पकड़ने वाली बात यही है। दूसरी चीज देखते हैं कि जब इसी का हम लोग लिट लकार में, लिट लकार मतलब पट धातु का लिट लकार में रूप पढ़ेंगे, क्योंकि एक वचन इसमें भी होगा, दो वचन होगा, बहुवचन होगा, और ऐसे सेम प्रोसेसिंग हो जाती है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए आप लोग समझ जाइएगा, अगर मैं जैसे ही लिखूंगा पठति पठता पठन, तो यहाँ पे लिट लकार में चलता है पठिष्यति। क्या चलता है? पठिष्यति, पठिष्यतः, फिर उसके बाद हो जाता है पठिष्यन्ति। अब यहाँ से मैंने तो पूरा रूप लिख दिया है, क्योंकि ये एक वचन है, ये दो वचन है, ये बहुवचन हो गया है, तो हमको इतना इस खाली लेना है। आप लोग केवल, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह के नाते हम इसको मिटा दिए हैं, तो देखिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ, क्योंकि यही चीज़ समझ लीजिए कि मैं जो है इस समय पट धातु के वर्तमान काल का रूप मैंने पठति पठता पठंत लिख दिया है, और गम धातु के वर्तमान काल का रूप गच्छति गच्छता गच्छन्ति। अब इन्हीं दोनों का यहाँ पे पट धातु का जो लिट लकार वाला रूप होगा, लिट लकार वाला, वो होता है पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, फिर होता है पठिष्यन्ति। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और गम धातु का क्या हो जाता है? गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, फिर होता है गमिष्यन्ति। अब मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, तुरंत आप समझ जाएंगे जब इस सेट धातु का मतलब क्या है और प्रत्यय में कैसे प्रयोग होता है। थोड़ा सा अगर आप लोग समझेंगे तुरंत आपको आ जाएगा। मैंने कहा है कि पठ धातु में मूल वर्णों की संख्या क्या है? प और ठ। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या लट लकार में ये जो मूल वर्ण है पठ धातु के हमको मिल रहे हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है, प और ठ इसमें भी है। और इसी चीज का जैसे ही लिट लकार, यहाँ पे लिट लकार में देखिए प और ठ ये वर्ण मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, गम में, गम का मूल वर्ण क्या है? ग और म। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि गम होना चाहिए, यहाँ पे तो ग मिल रहा है, क्या म हमको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक चीज, यहाँ पे ग और म दोनों मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। तो एक चीज जानिए कि जिस भी धातु का, पूरे संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे संस्कृत में जितनी भी धातुएं हैं, अगर उन धातुओं का वर्तमान काल का रूप अपने मूल वर्ण पर हो और भविष्य काल का रूप अपने मूल वर्ण पर हो, तो उसी को कहा जाता है सेट धातु। क्या कहा जाता है? सेट धातु। और इन सेट धातुओं का प्रयोग जब प्रत्यय में किया जाएगा तो एक चीज है कि सेट का मतलब ही होता है इटागम। हम लोग जब बुक को खोलते हैं तो उसमें लिखा रहता है इडागम, इटागम, तो इट का मतलब यही है, इसी को सेट धातु कहा जाता है। लेकिन वो तो भाई संस्कृत की भाषा होती है, सरल रूप में आएंगे तो उसे सेट धातु कहते हैं। समझ गए? अब इसका देख लेते हैं। गम में, जिनका वर्तमान काल का रूप अपने मूल वर्ण पर ना हो, देखिए दोनों में मिलावट नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसे कौन सी धातु बोलेंगे? अनिट धातु, अनिट धातु। अब हमको एक चीज पता हो गया, जिन भी धातुओं का वर्तमान काल का रूप अपने मूल वर्ण पर हो और लिट लकार माने भविष्य काल का अपने मूल वर्ण पर हो, उसे सेट धातु कहते हैं। और जिनका जो है कि वर्तमान काल का रूप अपने मूल वर्ण पर ना हो, नहीं मिलता हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों लोग मिल नहीं रहे, इसलिए इसे अनिट धातु कहते हैं। और अनिट धातु में ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, इसकी मात्रा का प्रयोग नहीं होता। लेकिन सेट धातु होगी तो उसमें ई की मात्रा का प्रयोग होता है। अब तो हम थोड़ा सा मिटा करके आगे चलते हैं, बताते हैं आपको और अच्छे से। पहले सेट ही धातु का प्रयोग हो रहा है। इधर ले लेते हैं पूरा। अब यहाँ से सही रहेगा। सेट धातु की बात हो रही थी, हमको पता चल गया कि जिस भी धातु का वर्तमान काल का रूप और भविष्य काल का रूप अपने मूल वर्ण पर हो वो सेट धातु है। अब देखते हैं कि इस सेट धातु का हम लोग सबसे पहले कृत प्रत्यय का पहला प्रत्यय पढ़ते हैं, कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? कत प्रत्यय। अब एक चीज जानिए, कृत प्रत्यय के अंतर्गत कत प्रत्यय आ रहा है तो इसका मतलब है इनका प्रयोग किसके साथ होगा? धातुओं के साथ होगा। किसके साथ होगा? धातुओं के साथ होगा। अब देखते हैं कि एक चीज, सेट धातु का प्रयोग करना हम बता रहे हैं, अभी अनिट की नहीं बता रहे हैं। तो सेट धातु का नियम होता है, जैसे अभी नियम नहीं जानिए, पहले ये जानिए कि कत प्रत्यय जब किसी भी धातु के साथ लगता है तो उनमें क्या शेष रहता है। इनमें तीन चीज बनता है। कोई धातु होगी, जब उसमें कत प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाएगा तो पुल्लिंग में एक शब्द बनता है, एक स्त्रीलिंग में शब्द बनता है और एक नपुंसक लिंग में शब्द बनता है। तो धातु में जब कत प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो पुल्लिंग को जो पूरा शब्द बनेगा, जो पूरा शब्द हमको मिलेगा, उस शब्द को पुल्लिंग बनाने के लिए हमको उसमें क्या जोड़ देना होगा? लास्ट में इस कत के बदले में उस पूरे शब्द को पुल्लिंग बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे? तह। और उसी शब्द को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या जोड़ेंगे? ता। अगर उसी को पूरे को नपुंसक लिंग बना देना है तो क्या जोड़ेंगे? तम। ये तो हमको पता हो गया, लेकिन अब सेट धातु का प्रयोग हमको करना है। अब हम जैसे हमने सिद्ध किया अभी पठ धातु क्या है? सेट धातु है। हमने सिद्ध किया है इसको, क्योंकि इनके मूल वर्ण जो भी हैं वो वर्तमान काल में भी मिलते हैं और भविष्य काल में मिलते हैं। तो यहाँ पे जब इसी पठ धातु में हम कत प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग बनाने के लिए तह का, स्त्रीलिंग बनाने के लिए ता का और नपुंसक लिंग बनाने के लिए तम का प्रयोग करते हैं। तो ये हमको पता हो गया कि सेट धातु है। अगर हमको ये पता हो गया सेट धातु है तो हमको एक चीज़ और है, ई की मात्रा क्या होती है? छोटी ई की मात्रा ये होती है। इस ई की मात्रा हमको एक जगह लगानी ही पड़ेगी, लेकिन वो जगह कौन सा है वो जगह जानना पड़ेगा। इस हलंत वाले वर्ण पर ही जब हमको पता हो जाएगा कि मेरी धातु सेट धातु है, कि मैं आप लोगों को सेट और अनिट धातुओं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि सेट कितनी धातुएं हैं और कितना प्रत्यय में प्रयोग किया जाता है ये चीज़ मैं आपको आप लोगों को मिल जाएगा। एक दिन जो है कि मैं पूरा ये लिस्ट बाकायदा एकदम बता के बता दूंगा। लेकिन यहाँ ये जानिए कि सेट धातु किसे कहते हैं, आप लोगों को पता हो गया है। तो हमको ये पता चल गया पठ मेरी जो है सेट धातु है और इसमें ई की मात्रा का प्रयोग होगा, लेकिन ये किस पे होगा? हलंत वाले वर्ण पर। किस पे प्रयोग होगा इसका? हलंत वाले। तब एक चीज देखते हैं कि जब हमको सेट धातु पता हो तो हमको एक शब्द मिलता है, क्या? पठी। कैसे मिला? ये सेट धातु है, ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो ई की मात्रा किस पे करेंगे? उस धातु के हलंत वाले वर्ण पर। ये कंफर्म हुआ। तो एक चीज देखते हैं कि हमको तब एक नया शब्द मिल जाएगा, उसका नाम क्या होगा? पठी। मिल गया। अब इसी पूरे शब्द को पुल्लिंग बनाना है भाइयों। क्या बनाना है? पुल्लिंग बनाना है। तो क्या जोड़ेंगे पुल्लिंग बनाने के लिए? ये देखो, ये या पुल्लिंग बना। अगर इसी को स्त्रीलिंग बनाना है तो ता जोड़ो, बात खत्म। अगर इसी को हमको नपुंसक लिंग बनाना है तो पठितम। ये तो एक सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री है कि कत प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे तो हमको तह ता तम तो याद कर ले, हम लोग रट लेते हैं, लेकिन ये पठ ही कहाँ से मिलता है? जिस समय आपको सोचने के लिए कह दिया जाए या आप ये बताइए कि पठ ही कहाँ से मिला, तो वहाँ आपको इटागम जो संस्कृत वर्णों में देता है, बुकों में देता है हर लोग, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इसका अगर हिंदी सरल रूप देखा जाए तो इसी को कहते हैं कि सेट धातु। जब सेट धातु, जैसे अगर कोई मान लो, जैसे हमने सेट की बात, ये तो सेट हो गया, एक और देख लेते हैं हम लोग, सेट धातु एक आध और देख लेते हैं। सेट धातु हम लोग ले लेते हैं चल। जैसे हमने ले लिया चल, चलती चलता है चलंती, चलस ही चलत है चलामी चलावा है चलामा। लेकिन जैसे ही इसका लिट लकार में रूप पढ़ते हैं तो हो जाता है चलिष्यति चलिष्यता, क्योंकि देखिए चल जो है जो मूल वर्ण है ये दोनों कहीं पे हट नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात और ये जान लीजिए, जब हमको चल वर्तमान काल में मिल रहा है और किस में मिल रहा है, भविष्य काल में मिल रहा है, लिट लकार अर्थात लिट लकार में मिल रहा है, तो हमको एक चीज पता हो जाता है कि मेरी धातु क्या हो गई, सेट धातु हो गई। तो मन में तुरंत एक चीज याद आती है, क्या कि हलंत वाले वर्ण पर आपको ई की मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। सेट धातु जैसे ही पता चले तुरंत गोली मार दो लपे कि भैया मैं आपको अपने कब्जे में कर लूंगा। क्यों? क्योंकि नियमतः आप पाए गए हैं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। और ये कौन कहता है, ये कहता है छोटी, कहती है कि मैं अपने मात्रा के कैद में कर लूंगी आपको। कैसे? जब आप सेट धातु रहेंगे तब, अन्यथा आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। आप उधर राम भजन करिए, हम इधर करेंगे। तो इधर देखते हैं, तब एक शब्द हमको मिल जाता है चली। जब इसी में हम लोग कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो चल मिल गया। अब इसी को पुल्लिंग बना दो, चलित है चलिता, फिर नपुंसक लिंग में बन जाएगा चलितम। ये तो हमारी सेट धातु की हो गई। अब देखते हैं अनिट। अनिट धातु क्या होती है? सेट धातु की पता हो गई, अनिट धातु की ये तो थोड़ा सा मोरली रूप से हम बता रहे हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हमको ये पता चला था कि जैसे हमने थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जैसे हमने ले लिया स्था धातु। स्था बराबर हम लोग ये जानते हैं कि स्था बराबर होता है एक चीज़, हमको स्था बराबर तिष्ठ। रूप कैसे चलता है वर्तमान काल में, तिष्ठति तिष्ठतः, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। और एक चीज और, ये तो वर्तमान काल का रूप हुआ भाई, लेकिन इसी का अगर हम लोग लिट लकार अर्थात कौन सा भविष्य काल में जब लेके चलेंगे तो ये तिष्ठति न होकर के क्या हो जाता है, स्थास्यति हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थास्यति। देखिए मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वर्तमान काल में तिष्ठ चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, स्थास्य चल रहा है। अर्थात एक चीज हमको पता चल गया, क्या क्या है ये, अनिट धातु है। तो अनिट धातु में एक चीज हमने बताया था कि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, ये कंफर्म हो गया। जब हमको ये पता हो गया कि अनिट धातु में ई की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है तो सीधा खाली क्या जोड़ना है, अरे भाइयों सीधे जोड़ देना है तहता तम, उसी शब्द में। एक चीज और जान लो, जैसे ये भी अनिट धातु है, नी होता है, मतलब होता है ले जाना। और एक चीज और जान लो, ये द्विकर्मक धातु है और द्वितीय विभक्त में इनका प्रयोग होता है। नी माने ले जाना, नयति नयता, ये रूप ऐसे नी कृष वह, ये सब जितने भी होते हैं 16 ऐसी धातुएं होती हैं पूरे संस्कृत में जो द्वितीय विभक्त में अकथितम च सूत्र के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इन्हें अकथितम च, इनके बारे में भैया यही है कि ये कहीं भी अगर प्रयोग कर दी जाए तो दो दो कर्मों को लेकर चलती हैं। ये अपने आप में भाई महान है क्योंकि दो दो कर्मों को लेके चलते हैं। लेकिन अगर इनका प्रयोग हम लोग प्रत्यय में कर दें, प्रत्यय में कर दें तो क्या कहती हैं, जैसे हम देख लेते हैं कत प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक चीज़ है कि अनिट धातु भी है। कौन सी धातु है, अनिट धातु भी है। एक चीज़ और जानिए, ये पहले न था, पहले ये क्या था, न था। इस पर उसके बाद किसी ने इनको अपने अंदर कैद कर लिया। अच्छा ये एक चीज़ ये बताई कि जब किसी भी वर्ण पर किसी भी स्वर की मात्रा हो तो अगर उस पर किसी भी और स्वर की मात्रा लगा दी जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो एक चीज़ ये जानिए आप लोग कि किसी भी वर्ण पर अगर किसी भी स्वर की मात्रा हो तो उस पर किसी और स्वर को थोपिए नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कत प्रत्यय का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो देखिए सीधे वो अनिट है, इसमें कोई ई की मात्रा लगानी है, पहले से लगाए मिला। बस क्या करना है कि तहता तम जोड़िए, पुल्लिंग बनाइए, इसका क्या बनेगा, नीतः। और एक चीज, किसी भी शब्द को अगर संस्कृत में पुल्लिंग बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक सूत्र होता है प्रतिपदिक। जब प्रथमा विभक्त हम आप लोगों को बताएंगे तो प्रतिपदिकार्थ एक शब्द आता है, वहां पे लिखा होता है प्रतिपदिकार्थ। खाली इतने का मतलब वहाँ वचन मात्र लिंग ये सब होता है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक आता है प्रतिपदिक। प्रतिपदिक का मतलब ये होता है कि जिसका कोई अपना अर्थ ही ना हो। जैसे मान लो मैं ही अपना नाम लिख देता हूं संजीव। अब इसी संजीव को आपको संस्कृत में बताना है, तो ये बताइए संजीव इस समय संस्कृत में नहीं है। इस संजीव के अर्थ को बताने के लिए प्रतिपदिक, प्रतिपदिक का मतलब होता है किसी भी शब्द का साधारण अर्थ बताना। यहां पे लिखा है प्रतिपदिक का अर्थ है। इस प्रतिपदिक का अर्थ बताने के लिए जिन विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम लोग क्या करते हैं, इसी में विसर्ग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि संजीव अकेला है कि दो है कि बहुत सारा है। संजीव है, संजीव अकेला है, और संजीव अकेला है ये चीज कहाँ से मिलती है, प्रथमा विभक्ति से मिलती है। क्योंकि वो कहता है कि जब आप इसी शब्द का अर्थ, साधारण अर्थ आपको बताना है तो भैया याद रखिएगा आपको हमारे पास आना होगा। अर्थात तो कौन कह रहा है, प्रथमा विभक्ति बोल रही है। तो इस प्रतिपदिक का मतलब होता है जो जिसका कोई अर्थ ना हो, लेकिन जब इसी का अर्थ बताना हो तो आपको विसर्ग का प्रयोग उसमें, अर्थात कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रथमा विभक्ति का। तो यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि जब इसी शब्द को हमने कर दिया तो इसका मतलब ये इस समय संस्कृत के ये एक वचन की बात कर रहा है, पुल्लिंग की बात कर रहा है। अगर इसी शब्द को आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो याद रखिएगा संस्कृत में आप लोगों को मैं स्त्री प्रत्यय जब पढ़ाऊंगा तो उसमें टाप डाप ये डीप ये सब प्रत्यय को होते हैं, उनको भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एकदम पका पकाया भोजन मिल रहा है उसको आप लीजिए। यहाँ पे सीधे बोल रहे हैं भैया आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो आ जोड़ दीजिए, नीता कर दीजिए, तहता। और अगर इसी को नपुंसक लिंग बनाना है तो हो गया। तो ये तो एक अनिट की हो गई और एक सिट की धातु। और एक चीज जान लीजिए आप लोग कि सेट और अनिट धातुएं हो गई। अब कुछ उदाहरण मैं आपको ऐसे डायरेक्टली बता रहा हूं, आप लोग देखते हैं कि आप लोग कैसे कैसे क्या करते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया लिख और इसी में हमने कह दिया भैया एक काम करो आप लोग कत प्रत्यय का प्रयोग कर दीजिए, तो आप लोगों को सबसे पहले देखना होगा इस लिख धातु के मूल वर्ण कौन कौन से हैं, ली और। अब यहाँ पे जब इसका वर्तमान काल, अर्थात वर्तमान काल का मतलब होता है संस्कृत में कौन, लट लकार। तो लट लकार में कैसे रूप चलता है इसका, लिखति, लिखत है, लिखंती होता है। अगर इसी का हम लोग ले लें लिट लकार में तो क्या हो जाता है, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, लिखिष्यति होता है। क्या होता है, लिखिष्यति। तो एक चीज हमको मिल गया क्या, लख लख दोनों में मिल गया, अर्थात कौन सी धातु है ये, सेट। सेट धातु जब हमको पता हो गई तो एक काम करते हैं, अब बोलते हैं कि आओ भाई हमारे पास, तो एक शब्द बन जाएगा लिखी। क्यों, क्योंकि हलंत वाले वर्ण पर जब सेट धातु होता है तो ई की मात्रा का प्रयोग सीधे कर दिया जाता है, तो लिखी। अब इसी को पुल्लिंग बनाना है तो कत धातु का पुल्लिंग बनाने के लिए पुल्लिंग में क्या जोड़ते हैं, त है। इसी को अगर हमको बना देना है ता, स्त्रीलिंग हो गया। और इसी को नपुंसक लिंग बनाना है तो क्या कर देंगे, लिखितम कर देंगे। ये तो कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा दूसरा नियम, ये तो सेट और अनिट धातुओं का नियम हो गया। अच्छा पहला नियम खत्म हो गया सेट धातु का था, दूसरा नियम खत्म हो गया अनिट धातु का। अब तीसरा नियम देखते हैं कि हम लिख देते हैं आपको ब्लैक, यदि किसी धातु का अंतिम वर्ण म या न हो, म या न हो, तो म या न का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। शर्त यह है, शर्त यह है कि धातु के वर्णों का वर्ग, वर्ग समान ना हो। दोस्तों मैं इसको तोड़ करके अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है कि हम तोड़ करके अपनी भाषा में बता रहा है कि, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि यदि किसी भी धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो इस म या न का तो लोप हो ही जाता है, बशर्ते धातु के वर्णों का जो वर्ग है वो समान ना हो। अर्थात जैसे हमने लिख दिया, दोस्त ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, कि जैसे लिख दिया गम, और इसी गम में कत प्रत्यय का प्रयोग करना है हम लोगों को। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है कि यदि किसी भी धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो लोप हो जाता है, लेकिन शर्त है क्या, इन वर्णों का वर्ग। देख लीजिए गम, गम में कौन कौन से वर्ण हैं, एक ग है और एक दूसरा म है, लेकिन ये ग और म किस किस वर्ग से आए हुए हैं, तो ग आया है क वर्ग से और म आया है तो प वर्ग से। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे धातु के जो वर्ण हैं इनका वर्ग समान दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो गोली मार सकते हैं इस म को एकदम एस। क्यों मार सकते हैं, क्योंकि ये ग जो है क वर्ग से आया है, यहाँ पे जो म था ये प वर्ग से आया था। तो एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, तो जब इस म का लोप हो जाएगा, क्योंकि इनके वर्णों का वर्ग समान नहीं है, तो यहाँ पे सीधे केवल ग बनेगा, ग बचा। अब देखिए इस कत को, कत का एक चीज जानते हैं कि आप लोग पुल्लिंग में क्या शेष बचता है, तह बचता है, स्त्रीलिंग में क्या बचता है, ता बचता है, और नपुंसकलिंग में क्या बचता है, तम बचता है। अब इसी में बनाओ, पुल्लिंग बनाना है तो तह जोड़ दो, गता हो गया, स्त्रीलिंग बनाना है तो गता कर दो, और इसी को नपुंसक लिंग बनाना है तो आप क्या कर देंगे, अम जोड़ देंगे। देख लीजिए सीधा आपके सामने बन गया। ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर इनके वर्णों का वर्ग असमान हो, शर्त यह है कि धातु के वर्णों का वर्ग समान ना हो। तो नहीं है भाई, नहीं है तो सीधे इसमा का लोप हो गया, तो बचता क्या है, गतः गता गतम, क्योंकि ये तह तातम शेष रहता है तो इसका अपने आप हो जाएगा। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। जैसे इसी पे एक और देख लेते हैं, जैसे हमने कह दिया नम धन कत प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा ये कहाँ से पाए गए हैं, त थ द ध न, और ये भाई साहब प फ ब भ म। अब देखते हैं कि इनके वर्णों का वर्ग समान नहीं है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे म का लोप हो गया, इसका लोप हो जाता है तो सीधे केवल न बचेगा, न लिख लिया। अब इसी में, अब इस कत का आपको पुल्लिंग बनाना है तो तह जोड़ना पड़ेगा, देख लीजिए तो ये सीधे क्या बन गया, नतः। इसी को स्त्रीलिंग बनाना है तो नता कर देंगे, क्योंकि आ जोड़ना पड़ेगा। अगर इसी को नपुंसक लिंग बनाना है तो म जोड़ देंगे तो नतम हो गया। ये तो आपका जो हो गया कि यदि किसी भी अंतिम वर्ण में माया न हो और उसको धातु के वर्णों का वर्ग समान न हो, तो ये बनाने के लिए ये नियम लगता है। अच्छा अब देखते हैं कि अगर धातु के वर्णों का वर्ग समान ही मिल जाए तो क्या करेंगे। जैसे हमने लिख दिया भ्रम। अब एक चीज देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि प फ ब भ म, प फ ब भ म, भ म दोनों प प वर्ग से आ रहे हैं। अच्छा दोनों वर्णों का वर्ग एक ही समान है, इस स्थिति में क्या नियम लगता है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम इसका नियम होता है कि यदि किसी भी धातु का अंतिम वर्ण म या न तो हो, लेकिन उनके वर्गों, उनके जो वर्ण हैं इनका वर्ग अगर समान होगा तो म या न का लोप नहीं होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, यदि किसी भी धातु के जो वर्ण हैं इन वर्णों का वर्ग, ये वर्ग है बेसिकली दोस्तों, ये क्या है, वर्ग है, और ये दोनों मिला लिया जाए तो एक चीज़ समझिएगा कि ये वर्ण है, और वर्ण कौन कौन से हैं, एक भ है और एक म है, भा और म है। तो अब देखते हैं कि इस भ म में जो वर्ण है भा और म, इनके वर्गों का वर्ण जो है समान है क्या, हाँ ये प वर्ग के हैं, ये भी प वर्ग के हैं। इस स्थिति में इस म का लोप नहीं होगा। एक बात और दोस्तों कि जब इस म का लोप नहीं होगा तो ये कौन सी धातु बन जाएगी, होती ही है सेट धातु बन जाएगी। कौन सी धातु, सेट धातु। एक चीज़ हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी धातु सेट धातु बन जाती है तो उसमें क्या प्रयोग कर दिया जाता है, हरस हुई की मात्रा का प्रयोग कर दिया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा था भ्रम धन कत प्रत्यय। अब देखते हैं क्या बनेगा, जब ये सेट धातु है तो ये सीधे बन जाएगा भ्रमी, और इसी को पुल्लिंग बनाना है तो तह जोड़ दो, भ्रमिता। इसी को स्त्रीलिंग बनाना है तो भ्रमिता, और इसी को अगर हमको बनाना है नपुंसकलिंग तो भ्रमितम हो गया। ये तो दोस्तों कत प्रत्यय हो गया, लेकिन इसी के अनुसार आप लोगों को ये जान लीजिए तीन प्रत्यय चलेंगे। एक होता है कत प्रत्यय, दूसरा होता है कतवतु प्रत्यय और तीसरा होता है जो है कतवा। इन तीन प्रत्ययों में यही नियम सेम टू सेम लगता है। अब ये थोड़ा सा हम लोग अब चलते हैं कतवतु प्रत्यय में, देखते हैं कैसे क्या नियम होता है इसका। एक चीज सबसे तो पहले ये दोस्तों जान जाइएगा आप लोग कि कतवतु प्रत्यय, कतवतु जो कतवतु प्रत्यय होता है पुल्लिंग बनाने के लिए आपको लास्ट में क्या जोड़ना होगा, तवान। और इसी शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको देखना होगा, जोड़ना पड़ेगा तवती। और इसी को नपुंसक लिंग बनाने के लिए आपको जोड़ना होगा तवत। तीन चीज ध्यान दीजिए, बेसिकली यही तीन चीज होते हैं। सब नियम वही, पहले जैसे जो कत प्रत्यय का नियम था सेम नियम वही चलेगा इसका भी, लेकिन वहां कत प्रत्यय में आपको दोस्तों तह पुल्लिंग के लिए जोड़ना पड़ता था और उसके बाद स्त्रीलिंग के लिए ता जोड़ना पड़ता था और नपुंसक लिंग के लिए दोस्तों आपको तम जोड़ना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जब कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो आपको लास्ट में पुल्लिंग बनाने के लिए तवान जोड़ना पड़ेगा, स्त्रीलिंग बनाने के लिए तवती जोड़ना पड़ेगा और इसी को आपको नपुंसक लिंग बनाना है तो तवत जोड़ना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगर मान लो कोई सेट धातु का उदाहरण, सेट धातु है और उसी को हम लोग लेके चलते हैं, तो अगर इसी में पट ही धातु को हम कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर दें तो दोस्तों एक चीज हमने बताया था कि अगर कोई सेट धातु हो तो दोस्तों हलंत वाले वर्ण पर आपको छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर देना होगा। अब इसी कतवतु प्रत्यय को पुल्लिंग बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा तवान जोड़ना पड़ेगा, तो इसी में आपको तवान जोड़ देंगे तो ये सीधे बन जाएगा पठितवान और यही आपका हो जाएगा कतवतु प्रत्यय का पुल्लिंग वाला शब्द। अगर इसी को आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तवती। तो यहाँ पे हमको एक शब्द मिला हुआ है पहले से, क्योंकि सेट धातु के अंतर्गत यहाँ पे छोटी हलंत वाले वर्ण पर ई की मात्रा लग जाएगी और इसी में जोड़ दो पठितवती। अगर इसी को देख लेते हैं नपुंसक लिंग, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा पठित। तो ये तो हमारा हुआ सेट धातु का, जो क्या हुआ सेट धातु का। अब दूसरी चीज देखते हैं, पढ़ाई के ध्येय से जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों जो है समझ जाइए, क्योंकि और इस समय मुख्य मुख्य ही चीजों को पढ़ा जाए तो बेहतर है। हम आप लोगों को ऐसे जो है कि वीडियो और आगे प्रोवाइड कराते रहेंगे, वहाँ पे एकदम सरल तरीके से जो भी जैसे भी है, अभी तो यहाँ में हालांकि बता रहे हैं लेकिन ये समझना अति आवश्यक है कि यहाँ जल्दी से जल्दी एग्जाम के ध्येय से जल्दी जाना है दोस्तों, और इसके लिए हम लोगों को मेहनत भी करनी है। देखिए कोई भी चीज़ पाने के लिए हर कोई जानता है कि मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन उस मेहनत को किस तरीके से, अगर देखिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अगर एक बार में समझ गए तो फिर जिंदगी में संस्कृत के प्रत्यय, क्योंकि देखिए बच्चे जो है कि हर कोई संस्कृत नहीं पढ़ता, जो संस्कृत पढ़ता है कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो है कि इंग्लिश पढ़ता हो, तो सब में वीकनेस होती है। लेकिन समझना यहाँ पे है कि जैसे कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर दिए तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर सेट धातु होगी तो ई की मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमने कर दी भाई। अच्छा एक और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया खाद और इसी में कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर दें, खादति खादत है, सेट धातु है। अब देखिए जब ये सेट धातु है तो एक चीज समझिएगा कि जब ये सेट धातु है तो इसमें एक चीज ई की मात्रा का प्रयोग होगा, लेकिन किस पे होगा, इस हलंत वाले वर्ण पर होगा जो द, इस द पर क्या होगा हलंत वाला वर्ण जो है इसी पे ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा खादी। और इसी को पुल्लिंग बनाना है तो तवान जोड़ दीजिए दोस्तों, खादी तवान हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, खादी तवती बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, खादित वत बन जाएगा दोस्तों। ये तो आपका जो हो गया सेट धातु का। लेकिन अगर मान लो कि अनिट धातु मिल जाए तो जैसे हम देख लीजिए थोड़ा सा दोस्तों, नी ले लिया और नी में कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, तो सीधे दोस्तों कुछ नहीं करना है, मैंने कद प्रत्यय में आपको बताया था, सीधे क्या कर देना है कि इसमें पुल्लिंग वाला जोड़ दीजिए, नीतवान हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा नीतवती हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा नीतवत हो गया, बात खत्म, ये नीतवत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि अगर किसी भी धातु का अंतिम वर्ण म या न हो, लेकिन जैसे हमने यही ले लेते हैं, गम ही ले लेते हैं। अब गम देख लेते हैं दोस्तों, इस ग का वर्ग क्या है क, इसका क्या है प। तो दोस्तों इस गम धातु के जो मुख्य वर्ण हैं ग और म हैं, इनके जो वर्ग हैं वो क और म हैं। तो जब इसमें कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कि जब इनके वर्णों का वर्ग अलग अलग है तो इस म का लोप हो जाएगा, म का लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या केवल ग। अब इसी को पुल्लिंग बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, वान, गतवान हो गया। इसी को स्त्रीलिंग जोड़ने के लिए क्या, यही देखिए गतवती हो जाएगा। और इसी को नपुंसक लिंग बनाने के लिए गतवत हो गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल शर्त इतना है कि यहाँ पे सबसे पहले गम धातु था तो इनका जो है वर्णों का वर्ग अलग अलग था, इसीलिए इस माँ का लोप हो जाता है और ये सब चीज़ बन जाती है। अच्छा, एक और उदाहरण इसका हम लोग लेते हैं, जैसे अगर हमने ले लिया नम, ले लिया कतवतु कर दिया। अब आप लोग तुरंत फटाफट देख के बताइए, देखिए ये त है और ये प है, तो देखिए दोनों का वर्ग है, देखिए अलग अलग है, तो इसका म का भाई लोप तुरंत कर दिया जाएगा, यहाँ पे ना बचेगा। पुल्लिंग बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, तवान, स्त्रीलिंग बनाने के लिए तवती हो गया, और इसी को नपुंसक लिंग बनाने के लिए नतवत हो गया। दोस्तों तो कुछ है नहीं, केवल समझना है। एक बार समझ लिए आप लोग तो तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, सेट अनिट और ये सब जान गए। अच्छा, अब देखते हैं आप लोग कतवा, इसका क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। लेकिन वही नियम है दोस्तों, अगर सेट धातु होगा, जैसे हमने ले लिया पठधन कतवा प्रत्यय। अब देखिए दोस्तों इसका तो त्वा तो शेष रहता है, लेकिन एक चीज़, अगर ये सेट धातु हमको मिल गई तो एक चीज़ जानते हैं दोस्तों, ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ पे, हलंत, हलंत वाले वर्ण पर होता है दोस्तों। ये चीज़ तो आप लोग एकदम कन्फर्म जान लीजिए हमेशा के लिए। तब यहाँ पे देखिए ये शब्द हमको मिल जाएगा पठी, और पठिधनत्वा तो क्या बन जाएगा पठित्वा। अगर हमने एक आपसे कहा कि बनाइए तो चल धन, अगर हमने कहा कतवा प्रत्यय तो क्या बन जाएगा दोस्तों, चलित्वा, सीधे बन जाएगा चलित्वा। अगर हमने कहा दोस्तों एक और बनाइए खाद में, खाद में कतवा प्रत्यय का प्रयोग कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, खादित्वा। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, ये तो सेट धातु का है। अगर मान लो अगर हमने दोस्तों कह दिया गम, गम धन कतवा प्रत्यय कर दिया, तो अगर हमने कह दिया गम धन कतवा प्रत्यय दोस्तों सेम वही प्रोसेसिंग चलेगी, गमित्वा नहीं होगा, गत्वा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये क वर्ग के हैं और ये प वर्ग के हैं, तो इस माँ का लोप हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए ग बचेगा और इसी में त्वा जोड़ दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गत्वा। गत्वा का मतलब जा करके होता है। देखिए मैं डीपली नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके तैयारी के ध्येय से जो जो भी बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो, वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो कैसे क्या होता है, इसके नियम है, इन नियम को अच्छे तरीके से मैं जो है कि प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये जानिए कि गत्वा है, कत्वा प्रत्यय में इसका त्वा शेष रहता है, लेकिन इनका त्वा तो शेष रहता है। लेकिन थोड़ा सा जानिएगा कि हर एक नियम, कत, कत्वा और कत्वा, तीन प्रत्यय ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे इनका प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, गम में कतवा प्रत्यय जब प्रयोग कर दिया जाता है तो यहाँ पे देखिए क है, यहाँ पे प है। कैसे, ये इन धातु के वर्णों का वर्ग है। ये यहाँ पे ये ग कहाँ से मिला, क वर्ग से, क्योंकि हम लोग जानते हैं क ख ग घ। यहाँ पे प प फ ब भ म, तो यहाँ से दो चीज़ हमको पता हो जाती है। तो क और प जब दोनों अलग हैं तो ये इनका लोप हो जाता है, तो सीधे ग ही बसता है, इसी में लगा देंगे गत्वा। अच्छा दोस्तों, अगर नम कर दिया, तब नम धन कत्वा कर दिया तो ध्यान दीजिएगा, अगर नम धातु है उसी में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाए तो दोस्तों क्यों, क्योंकि ये त हो जाएंगे त वर्ग से, ये प वर्ग से हो जाएंगे तो ये देखिए माँ का लोप हो जाएगा, सीधे बच जाएगा क्या नत्वा नमस्कार करके। तो दोस्तों ये तीन प्रत्यय आप लोगों को जो है मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं। अगले प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और इस प्रत्यय को जानते हैं।